आशीष, आज से हम एक नई प्रवचन श्रृंखला में प्रवेश करेंगे। ताओ ते चिंग, लाओत्से की प्रसिद्ध पुस्तक, छोटी सी पुस्तक लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक। आध्यात्मिक इतिहास में देखा जाए कि जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तकें हुई हैं उनमें से इस एक पुस्तक की गणना करी जाती है। बहुत छोटी सी पुस्तक है, 81 चैप्टर हैं उसके, 81 वर्सेस भी कहते हैं। ज़्यादा लंबे नहीं हैं, बहुत छोटे, कुछ आधे पेज से कम के, कुछ एक पेज के, इससे लंबे चैप्टर नहीं हैं। और लाओत्से ने उन संक्षिप्त शब्दों में जीवन का जो गहनतम गूढ़तम ज्ञान है उसको पिरोया है। आज के वक्त में ताओ की, लाओत्से के दर्शन की बहुत प्रासंगिकता है। जितनी प्रासंगिकता उस समय रही होगी उससे कहीं अधिक प्रासंगिकता आज के समय में। भाषा का अलग विस्तार हो सकता है, अभिव्यक्ति के अलग अलग ढंग हो सकते हैं, लेकिन ये जो शाश्वत सत्य है ये हमेशा अपने अनूठे ढंग से सभी बुद्धों के माध्यम से एक ही तरह पिरोया जाता है। ताओ को अगर हम कहें तो वो एक अद्वैत का शुद्ध दर्शन है, नॉन डुअलिटी। अलग भाषा में द्वैत से अद्वैत की यात्रा लाओत्से के माध्यम से होती है। जैसे भारत में हम अष्टावक्र को देखते हैं, जैसे भारत में हम बुद्ध को देखते हैं, ऐसे ही हम लाओत्से को देख सकते हैं। बुद्ध का अपना जो सारा विस्तार है वो भी अद्वैत की तरफ ले जाता हुआ विस्तार है। उसको कोई कैसा भी नाम दे, उसकी कैसी भी व्याख्या करे, उससे अंतर नहीं पड़ता। अब ये एक बड़ी रोचक सी बात है कि जिस समय लाओत्से चीन में हुए, थोड़े बहुत समय के अंतर से पूरे विश्व में एक विस्फोट था, एक्सप्लोजन था सद्गुरुओं का, मास्टर्स का। थोड़ा बहुत समय का अंतर आगे पीछे कर ले, यूनान की तरफ सुकरात का आविर्भाव है, और भारत में तो कमाल ही हुआ था उस समय। बिहार के छोटे से फैलाव में, छोटे से विस्तार में एक से एक अनूठे गुरु, बुद्ध तो थे, समय का बस थोड़ा सा इधर उधर का अंतर मान के चलेंगे, बुद्ध के साथ उनके पहले समकालीन तीर्थंकर महावीर भी थे, और अनन्य प्रतिभा के धनी कई और बुद्ध उसी छोटी सी जमीन पर थे। पूर्ण काश्यप थे, प्रबुद्ध कात्यायन थे, मक्खली गोशाल थे, अजित केश कंबल थे, संजय वेलिठीपुत्र थे। सबका अपना एक अनूठा दर्शन, एक कमाल की उनकी अभिव्यक्ति। और जो लाओत्से अपने जीवन पर्यंत बात कहते रहे, देखा जाए भारत में हम उस छोटे से एक पृष्ठभूमि में उसको बड़े ही अलग प्रैक्टिकल ढंग से प्रदर्शित कर रहे थे। बुद्ध अपने ढंग से बात को कह रहे थे, महावीर अपने ढंग से कह रहे थे,
जितने नाम मैंने लिए वो सब अपने अपने ढंग से कह रहे थे और सबका जो स्वाद एक जैसा था। स्वाद एक जैसा जब मैं कहता हूँ तो उसको ऐसे मत देखें कि नहीं स्वाद तो भिन्न भिन्न होते हैं। आंतरिक स्वाद, परम स्वाद जो है, अंतिम स्वाद है, वो एक जैसा है, लेकिन जो परिधिगत स्वाद होगा, पेरिफेरल टेस्ट होगा, वो बदलेगा, वो बदलना चाहिए। वो नहीं बदलेगा तो नुकसान है। लाओत्से के जो वर्सेज हैं, जो वचन हैं, उसमें विरोधाभास आता है। विरोधाभास के माध्यम से वो सत्य को अभिव्यक्त करते हैं। बड़ी यात्रा है, बड़ी खूबसूरत यात्रा है। और कुछ बातें हम अगर लाओत्से के जीवन के बारे में देखें तो और रोचक होगा। रोचक सबसे बड़ा तथ्य यही है कि लाओत्से के जीवन के बारे में बहुत तथ्य उपलब्ध नहीं है। लाओत्से जैसा विराट व्यक्तित्व रहा हो और उसके जीवन के बारे में बहुत तथ्य उपलब्ध ना हो, ये हैरान करने वाली बात है। लेकिन मैं जब देखता हूँ तो मुझे हैरान करने वाली बात नहीं लगती, क्योंकि तथ्यों का करना क्या है। अगर कोई व्यक्ति बहुत प्रामाणिक जीवन जी रहा है, बहुत ही ऑथेंटिक उसका जीवन है, तो उसकी कोई कहानी नहीं बनती। एक बुद्ध की कोई कहानी नहीं होती, कोई पर्सनल स्टोरी नहीं होती। लाओत्से ने उसको जिया, लाओत्से ने उसको क्षण प्रतिक्षण जिया, तो कोई स्टोरी बनी ही नहीं, लोग क्या करते। लेकिन अभी हैरानी की बात यह होती है कि हमको गुरुओं के बारे में कहानियाँ मिलती हैं, तमाम तरह की कहानियाँ हमको देखने में आती हैं। तो क्यों आती हैं कहानियाँ? क्योंकि कहानियाँ लोग बनाते हैं। कहानियाँ बनाने में लोगों की रुचि है, पर्सनल स्टोरीज में लोगों की बहुत अधिक रुचि है, और वहीं से सारा बिखराव है, द्वैत है, द्वैत की पीड़ा है, और जीवन का जितना भी विभ्रम है, दुष्चक्र है, वो किसी न किसी कहानी के रचे जाने से, किसी न किसी पर्सनल स्टोरी के पैदा हो जाने से। लाओत्से चूँकि इस सत्य को इतनी अधिक गहराई से जी रहे थे, इतना अधिक उसको हृदयंगम किए हुए थे, कि उनके संदर्भ में तो ये बात लागू होनी नहीं थी। और फिर ये भी पूरी उम्मीद करी जा सकती है कि जो उनके आसपास के उनके शिष्य रहे होंगे, उनको प्रेम करने वाले लोग रहे होंगे, वो भी इतने प्रबुद्ध होंगे, इतने जागृत होंगे कि उन्होंने समझा होगा लाओत्से का संदेश, उसकी जीवन शैली, तो उन्होंने भी कोई कहानी बनाने की, पर्सनल स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश नहीं करी होगी। इस कारण से लाओत्से की व्यक्तिगत कोई कथा नहीं मिलती कि कहाँ पैदा हुए, क्या हुआ, कैसे उनको इनलाइटनमेंट हुआ। अब गुरुओं के बारे में जाओ तो आधुनिक समय में तो इनलाइटनमेंट की स्टोरी ही सबका एक खास फीचर होता है, लाओत्से के संदर्भ में नहीं मिलेगी, अष्टावक्र के संदर्भ में नहीं मिलेगी। अष्टावक्र के संदर्भ में भारत क्या कहता है? वो तो बस ज्ञानी ही थे, ज्ञानी ही जन्मे। और अजीब सी संयोग की स्थिति है कि लाओत्से के बारे में चीन में भी यही बात कही जाती है कि लाओत्से तो संपूर्ण ज्ञान के साथ ही जन्मे, कोई ज्ञान उन्होंने अर्जित नहीं किया था, ज्ञान उनके साथ था। और यहीं पर जब हम आगे चलेंगे इस यात्रा में, तो वो बात सब स्पष्ट होगी कि लाओत्से के बारे में ऐसा क्यों कहा जाता था। अब ये जो ताओ ते चिंग, अब चाइना का जो ये प्रोनंसिएशन है, मैं समझता हूँ वो बड़ा अलग है। कोई ताओ ते चिंग कहता है, कोई ताओ ते चिंग कहता है, कोई दाओ भी कहता है, दाओ दे कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ताओ ते चिंग हो या ताऊ की रिंग हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात सार की हो, मुद्दा जो है उसमें हमको जाना है, सार में। और लाओत्से शुरू ही इससे करने जा रहे हैं, ताओ ते चिंग की शुरुआत ही इस बात से करने जा रहे हैं, इसीलिए ये चिंग किंग और रिंग में नहीं उलझना है। पुस्तक की जो रचना है,
इसके बारे में अलग अलग किंवदंतियाँ मानी जाती हैं। एक किंवदंती तो यही है कि अंतिम समय में लाओत्से ने इसको रचा और वो राज्य छोड़कर जा रहे थे, तो जो अंतिम पड़ाव था राज्य का, वहाँ एक चुंगी थी, वहाँ पर उन्होंने इसको रचा। ये कोई ऐतिहासिक बातें नहीं हैं, ये केवल किंवदंतियाँ हैं। मैं समझता हूँ कि जीवन पर्यंत अपनी देशना को लोगों से बांटने के बावजूद लाओत्से ने कभी एकांत में कुछ बातों को लिपिबद्ध करना उचित समझा होगा, कह देना उचित समझा होगा, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो कुछ इशारा ग्रहण कर सकें, कुछ संकेत ग्रहण कर सकें। ये लाओत्से की अंतिम करुणा, किसी भी गुरु की अंतिम करुणा। पहले तो वो अपने ढंग से बात कहते हैं और फिर जाते जाते कोई इशारा छोड़ जाएं, ये उचित है। ये मानवीय जान पड़ता है, प्रेमपूर्ण जान पड़ता है और करुणापूर्ण जान पड़ता है। तो चुंगी रही हो ना रही हो, उन्होंने जीवन के अंतिम पड़ाव में उसको लिखा हो ना लिखा हो, ये सारी बातें ऐतिहासिक नहीं हैं। जैसे भारत में हम श्री अरविंद को जानते हैं, अरविंद, महर्षि अरविंद, उन्होंने सावित्री की रचना करी, अनूठी पुस्तक सावित्री। सावित्री अरविंद के पूरे दर्शन का, जीवन दर्शन का निचोड़ है और सावित्री की यात्रा है कि उन्होंने पूरे जीवन काल में लिखी। धीरे धीरे उसमें वो जोड़ते गए, उसको परिमार्जित करते गए, उसको परिष्कृत करते गए और उनके पूरे जीवन के कालखंड में सावित्री रची गई। अब सावित्री एक व्यापक ग्रंथ है, बड़ा मोटा सा, ताओ ते चिंग बहुत छोटी सी पिद्दी भर की पुस्तक है। लेकिन मुझे अगर सावित्री और ताओ ते चिंग में तुलना करनी हो तो मुझे कोई अंतर नहीं लगता, वो एक ही बात कह रहे हैं। अरविंद का कहने का ढंग अपना, लाओत्से का कहने का ढंग अपना। ये सब कहने कहने की अदाएँ हैं, वो तरीके हैं। मुख्य चीज़ ये है कि ये अद्वैत की यात्रा है, फ्रॉम ड्यूअलिटी टू नॉन ड्यूअलिटी। 81 वर्सेज, 81 चैप्टर, उनमें हम धीरे धीरे आगे प्रवेश करते हैं और फिर उन पर बात समझने की कोशिश आप लोग करेंगे। आज के लिए पहला चैप्टर, पहला जो वर्स है ताओ ते चिंग का, वो सुने पहले, फिर उस पर बात करेंगे। लाओत्से लिखते हैं, द ताओ दैट कैन बी टोल्ड इज नॉट द इटर्नल ताओ, द नेम दैट कैन बी नेम्ड इज नॉट द इटर्नल नेम, द ताओ इज बोथ नेम्ड एंड नेमलेस, एज नेमलेस इट इज द ओरिजिन ऑफ ऑल थिंग्स, एज नेम्ड इट इज़ द मदर ऑफ 10,000 थिंग्स, एवर डिजायरलेस वन कैन सी द मिस्ट्री, एवर डिजायरिंग वन सीज ओनली द मैनिफेस्टेशंस एंड द मिस्ट्री इट्सेल्फ इज द डोर वे टू ऑल अंडरस्टैंडिंग। इस चैप्टर का नाम मैं देता हूँ बोध का द्वार। उसका अनुवाद सुने, लाओत्से कहते हैं कि ताओ जिसे कहा जा सके, जिसे कहा जा सके, वो सनातन शाश्वत ताओ नहीं है। वो नाम जिसे नाम दिया जा सके वो शाश्वत नाम नहीं है। ताओ दोनों हैं, अनाम और नाम, नाम रहित और नाम भी। जब ताओ नाम रहित होता है, नेमलेस होता है, तो वो सारी चीज़ों की उत्पत्ति का स्रोत होता है। और जैसे ही ताओ को नाम दिया जाता है, जैसे ही ताओ में नाम प्रकट होता है, वो 10,000 चीज़ों की जननी हो जाती है।
अंतिम पैरा जो वर्ष का है सूत्र, लाओत्से कहते हैं कि जो सतत इच्छा मुक्त है वो ताओ के रहस्य को देख पाता है, और जो सतत इच्छा पूर्ण है वो अभिव्यक्तियों को, मैनिफेस्टेशंस को देख पाता है, और स्रोत अभिव्यक्ति ये दोनों ही, नाम और अनाम ये दोनों ही उस परम समझ के द्वार हैं। इनका जो रहस्य है वही उस परम समझ का द्वार है। पहला चैप्टर, और पहले चैप्टर में ही जो लाओत्से कह रहे हैं, एक तरह से देखा जाए उन्होंने सारी बात कह दी, कमाल की चीज़ें कह दी। वो ताओ जिसे कहा जा सके ताओ नहीं है, वो नाम जिसे नाम दिया जा सके वो नाम नहीं है। द ताओ दैट कैन बी टोल्ड इज नॉट द इटर्नल ताओ, वो शाश्वत ताओ नहीं है। अब ताओ क्या है इसको समझें, क्योंकि कई लोग इस प्रोनंसिएशन को सुनते सुनते उनको ताऊ ज़्यादा सुनाई दे रहा होगा, तो ताऊ नहीं है ये, चाचा और ताऊ नहीं है, ताओ। ताओ को अनुवादित करना, ट्रांसलेट करना हमेशा बहुत मुश्किल रहा है। इसको अलग अलग ढंग से परिभाषित किया जाता रहा है, लेकिन बहुत सरल निकटतम हम इसको अद्वैत रहस्य की तरह अगर हम कह दें तो बात करीब करीब ताओ के निकटतम आ जाती है। टोटेलिटी है, ताओ इज़ द टोटेलिटी, ताओ एक समग्रता है, द टोटल मिस्ट्री, समग्र रहस्य। और अद्वैत, अगर केवल अद्वैत हम कहेंगे तो ताओ की जो आत्मा है उसको नहीं पकड़ा जा सकेगा, तो हम कहें अद्वैत रहस्य। तो लाओत्से कहते हैं कि अगर उसे कहा जा सके तो फिर वो शाश्वत ताओ नहीं रह जाता, यानी कि जो वास्तव में सत्य है उसे कहा नहीं जा सकता। अब यहीं से सारी दुविधा शुरू हो गई, यहीं से सारा जो है द्वंद्व का जगत शुरू हो गया, कि लाओत्से तो लिख रहे हैं, कह भी रहे हैं, और ऊपर से ये भी कह रहे हैं कि जिसे कहा जा सके वो शाश्वत ताओ नहीं है। तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि जो मैं कह रहा हूँ वो इशारा ही रहेगा, वो शाश्वत ताओ, इटर्नल ट्रुथ नहीं होगा, वो अद्वैत का जो रहस्य है वो पूरा का पूरा नहीं होगा। लेकिन तो क्या फिर कहा ना जाए? कहा जाएगा, कहा जाता रहा है, और आगे भी अनंत काल तक कहा जाता रहेगा। उसी ताओ ने व्यक्ति को कहने की क्षमता दी है, उसी ताओ ने व्यक्ति को कहने की प्रेरणा दी है, उसी ताओ ने व्यक्ति को सुनने की क्षमता दी है, शक्ति दी है, उसी ताओ ने समझने की, विवेक की शक्ति दी है मनुष्य को। वो ताओ जीवन का आधार, स्रोत वही है, लेकिन नहीं कहा जा सकता, इसमें ही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। इसलिए उसको बार बार कहा जाएगा, अनेक अनेक रूपों, अनेक अनेक रंगों में कहा जाएगा। ताओ को समझा जाए तो कोई भी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन नहीं बन सकता, कोई भी संगठित धर्म नहीं पैदा हो सकता, क्योंकि संगठित धर्म क्रिस्टलाइज करते हैं, डिफाइन करते हैं, किसी चीज़ को परिभाषित करना चाहते हैं, सीमाओं में कैद करना चाहते हैं, उसको पूरी तरह से डिब्बा बंद कर देना चाहते हैं। इसीलिए संगठित धर्मों की अपनी किताब होगी, उनके सिद्धांत होंगे, और सिद्धांतों पर एक आग्रह होगा कि जो कहा जा रहा है यही सच है, इसी को मान लो। इसके उलट लाओत्से इतनी अपार करुणा का उपयोग करते हुए अपनी पुस्तक में, जो एकमात्र पुस्तक उन्होंने लिखी, पहले वाक्य में ही ये बात कह दे रहे हैं कि नहीं कहा जा सकता भाई, इस झंझट में नहीं पड़ना है, कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी कहेंगे।
कहने की कोशिश करेंगे, और जब कहा नहीं जा सकता और कहने की कोशिश करेंगे तो जीवन में अनेक अनेक इंद्रधनुष सुगेंगे, अनेक अनेक फूल खिलेंगे, अनेक अनेक सुगंधें और रंग प्रवेश करेंगे, कोई भी अंतिम नहीं होगा। बिल्कुल ठीक ऐसा ही अनुभव तो बुद्ध का भी था ना, जब वो बोध को उपलब्ध हुए। ये सब स्टोरीज हैं, देखिए कथाएं हैं, ठीक उस समय घटना हुई या बाद में हुई, कब हुई, इसको मत अपने जहन में रखें। जैसे इस घटना को मैं कोई ऐतिहासिक घटना की तरह नहीं देखता हूँ, ना उसमें यकीन करता हूँ कि ये अंतिम समय में चुंगी पढ़ लिखी। हो सकता है उन्होंने पहले ही लिख के रख दी हो सकता है उन्होंने कभी कहीं और लिखी हो, कोई नहीं जानता। बुद्ध को ये विचार कब उपजा, कहानी कहती है कि जब बोध को उपलब्ध हुए तो उनको बस ये लगा कि कहना क्या है, जो कहना है वो कहा नहीं जा सकता, जो कहा नहीं जा सकता तो कहने की झंझट क्यों पैदा करी जाए, और कहें तो कहकर भी कौन समझता है, जिसको समझना है वो समझ लेता है, जिसको नहीं समझना वो कहकर भी नहीं समझता। बड़ी दुविधा। बुद्ध के जीवन की कहानी भी यही कहती कि वो खामोश, लंबे वक्त तक खामोश रह गए। लाओत्से के जीवन में भी देखिए घटना वैसी ही आती है कि कहानी तो ये कहती कि वो जीवन भर नहीं उन्होंने लिखा, लेकिन इसको काव्यात्मक ढंग से लें, पोएटिक ढंग से, तो कहा यह जा सकता है कि लंबे समय तक उन्होंने नहीं कहा, नहीं लिखा, लेकिन उनके शिष्य थे, उनके प्रेम करने वाले लोग थे, तो वो कह तो रहे ही होंगे, लगातार कुछ ना कुछ कह रहे होंगे, लिपिबद्ध नहीं किया होगा, लिपिबद्ध किया। तो जब बुद्ध ने कहा तो उनके कहने के पीछे जो मंशा आई, जो उनका मंतव्य पैदा हुआ, वो यही पैदा हुआ कि ठीक है, हो सकता है कि कहने से कोई नहीं समझता, लेकिन हो सकता है किसी को थोड़ा सा इशारा मिल जाए, थोड़ा सा धक्का और वो समझ ले, हो सकता है। कहने से नहीं कहा जा सकता तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसको कहा नहीं जाएगा। बुद्ध पूर्णतया वैज्ञानिक चित्त के व्यक्ति थे, मैंने बार बार कहा लाओत्से के बीच बुद्ध को लाना बड़ा खूबसूरत है। क्योंकि बुद्ध ने प्रारंभ में ही ये बात कही, उन्होंने कहा कि देखिए सत्य की बात नहीं करनी है, मैं तुमको कोई सत्य नहीं बता रहा हूँ, सत्य क्योंकि बताया ही नहीं जा सकता तो उसकी बात क्या बतानी, मैं तुमको केवल मार्ग बताता हूँ, मैं तुमको केवल रास्ता दिखाता हूँ, मैं तुमको केवल इशारा करता हूँ, तुम शायद उससे वहाँ तक पहुँच जाओ, शायद पहुँच जाओ, कोई पक्का नहीं, कोई गारंटी नहीं है कि पहुँच जाओ, शायद पहुँच जाओ। अब ये जो लाओत्से का वचन, इस वचन के परिप्रेक्ष्य में आज अगर हम इसको देखेंगे तो पूरा परिदृश्य इसको समझने के लिए अनुकूल है। संगठित धर्मों की मारामारी तो एक तरफ है, गुरुओं की मारामारी एक तरफ है, कोई गुरु जो अपने को गुरु समझता है, देखिए जो जिसको अस्तित्व गुरु के रूप में चुनता है वो तो गुरु समझता ही नहीं अपने आप को। जैसे लाओत्से कोई समझाना ही बड़ा मुश्किल था कि आप गुरु हैं, वो कभी नहीं मानते इस बात को। लेकिन गुरुओं को भी क्या लगता है कि भाई देखो ये आखिरी सच है और इसके आगे कोई बात नहीं होनी चाहिए या कोई और इसमें बात कहने का तरीका नहीं है। बड़ी अड़चन है, जैसे ही कोई कहेगा कि ये आखिरी बात है, इसमें और कोई बात नहीं कही जा सकती, तो ये ताओ ते चिंग का पहला वक्तव्य ही धूल धूसरित हो जाता है, जो कहता है कि उस शाश्वत ताओ, उसे कहा नहीं जा सकता। पकड़ेगा व्यक्ति बीच बीच में तो अनंत रूपों में पकड़ा जाएगा और अनंत रूपों में कहा जाएगा, ये बात। और ये बात अगर लोगों के हृदय में बैठ जाए तो तुम देखो कितनी शांति नहीं हो जाएगी, कितनी लोगों के अंदर शांति नहीं उतर आएगी कि ठीक है
सब अपने अपने ढंग से कह रहे हैं और लोग अपने अपने ढंग से समझ रहे हैं। एंड रिजल्ट पर ध्यान दो, शाश्वत ताओ पर ध्यान दो। शाश्वत ताओ क्या है? शाश्वत ताओ की बात भी इशारा अंत में लाओत्से ने कर दिया, वो जागतिक रहस्य, वो बोध का द्वार। तो अगर वो बोध का द्वार खुलता है, वो शाश्वत जागतिक रहस्य तुम्हारे भीतर प्रवेश करता है, जिसकी पहचान होगी अखंडित शांति अकारण प्रसन्नता और सहज सजगता और संवेदनशीलता के रूप में, वो तुम्हारे भीतर उतरा परिणाम के रूप में, तो तुम शाश्वत ताओ के द्वार में प्रवेश कर गए। अब किस कोण से बात कही गई थी, कैसे कही गई थी, किन शब्दों में कही गई थी, पैकिंग क्या थी, इनसे कोई अंतर नहीं पड़ता। मैंने बार बार इस बात को कहा कि एक गुरु माँ के जैसा होता है। गुरु को और किसी ढंग से परिभाषित नहीं किया जा सकता। माँ का देखिए काम क्या होता है, बच्चा कुछ खा ले, उसको वो भोजन देने के लिए वो कितने उपाय कर सकती है, वो कितनी क्रिएटिविटी ला सकती है, कितनी सृजनात्मकता, हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि उसको ये बात बस पता है कि इसको पोषण मिलना चाहिए, इसको जीवन मिलना चाहिए, इसके इसके जो जीवन के विकसित होने के लिए सहायक पोषण है वो मिले, तो उसको अलग अलग ढंग से पेश करेगी। मिनरल्स चाहिए, विटामिन्स चाहिए उसको, कैल्शियम चाहिए उसको। अब वो ये तो नहीं बताएगी उसको रोज़ बैठ कर के, देखो इतने ग्राम तुमको कैल्शियम जरूरी है तो इसलिए तुमको दूध पीना जरूरी है, ये मिनरल जरूरी है, प्रोटीन। बच्चा तो भाग जाएगा, वो कहेगा क्या कैल्शियम प्रोटीन मिनरल कार्बोहाइड्रेट और ये सब, वो सुनना ही नहीं चाहता इस बात को। और फिर जो सामने पेस्ट किया जा रहा है वो भी खाना नहीं चाहता। माँ ने उसके सामने पालक रखी, उसको पालक नहीं खानी। अब पालक को खिलाने के लिए वो कौन कौन सी डिशेज बना सकती है, ये उसके कौशल पर निर्भर करता है। तो गुरुओं का काम भी ऐसा ही है कि वो नरिशमेंट, वो पोषण देने के लिए वो कितनी कितनी डिशेज बनाकर हमारे सामने रख सकते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। और हर डिश का अपना एक ज्वाय है। बच्चा दूध नहीं पीना चाहता, दूध उसके लिए ज़रूरी है उसके विकास के लिए, तो माँ उसको बैठकर घंटे भर प्रवचन दे कि देखो ये कैल्शियम तुम्हारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। ना बच्चे को हड्डियाँ समझ में आती, ना कैल्शियम समझ में आता, उसको कोई लेना देना नहीं इन बातों से, और माँ को भी कोई लेना देना नहीं इन बातों से। उसको तो बस इस बात से लेना देना है कि इसका विकास हो, स्वस्थ हो, इसके जीवन में जो जीवन ऊर्जा है वो पूरी प्रबलता से बहे। तो वो दूध को ही कितने कितने रूपों में बदलने की आयोजना करेगी, देखते हैं ना आए दिन हम। तो गुरु भी माँ जैसा है। तो जगत में जितने भी गुरु हैं वो ऐसा ही माँओं वाला काम करते हैं कि सत्य का दर्शन है, बोध के द्वार में वो जा चुके हैं, वो जानते हैं कि यही है जो दिया जा सकता है, लेकिन कौन कैसे लेने के लिए तैयार होगा, तुरंत उसको वो मिक्सर में डालकर कोई अलग शेक बना देते हैं। वो नहीं समझाएंगे सत्य क्या है, ये समझाने के लिए तो बड़ा ड्राई बड़ी फिलॉसफी बताई जा सकती है कि अच्छा देखो ये 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 सिद्धांत, ये सिद्धांत, ये सिद्धांत। संगठित धर्म संप्रदाय कल्ट तथा कथित गुरु सिद्धांतों पर ही पनपते और सिद्धांतों पर ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो वास्तविक गुरु है लाओत्से जैसा, उसको किसी सिद्धांत से कोई मतलब नहीं। वो तो कह ही रहा है कि नहीं कहा जा सकता, तो कभी भी तुम आकर ये बात नहीं उसके सामने कह सकते कि भाई जो तुमने कहा था वो बात सही नहीं है। तो लाओत्से कहेगा हम तो पहले ही कहते थे नहीं सही है, हमने कब कहा था सही है, हमने तो तुमको चुपके से ये इसमें दूध पिलाना था और उसको किस फ्लेवर में और किस तरह से उसको मिक्स करके पिलाना था वो पिला दिया, तुम्हारे ऊपर काम हुआ, तुम जागे, तुम्हारे अंदर शक्ति के स्रोत खुले, समझ के द्वार खुले, वो काफ़ी है। तो किसी भी गुरु पर कभी भी अतीत से लेकर आज और भविष्य में कोई भी क्लेम नहीं किया जा सकेगा कि जो आपने कहा था ये गलत है, और कोई ये भी नहीं कह पाएगा कि जो आपने कहा था ये पूरी तरह सही है, क्योंकि वो कहा ही नहीं जा सकता। जो शाश्वत ताओ है, द इटर्नल ताओ कैन नॉट बी टोल्ड।
नहीं कहा जा सकता। फिर आगे लाओत्से कहते हैं कि अगर उसे नाम दिया जाए, उसको नाम नहीं दिया जा सकता, दैट कैन नॉट बी नेम्ड। अगर उसको नाम देंगे तो सब गड्ढमड्ढ हो जाएगा। द नेम दैट कैन बी नेम्ड इज नॉट द इटर्नल ताओ, उस शाश्वत ताओ, यानी कि वो अद्वैत का रहस्य, वो शाश्वत सत्य नहीं है। अगर उसे कोई नाम दें तो कौन सा नाम दें, सब नाम काम चलाऊ हैं। नाम हम देते हैं उपयोगिता के लिए, नाम हम केवल देते हैं यूटिलिटी के लिए, जीवन की फंक्शनैलिटी के लिए। नामों का उपयोग क्या है इसको अगर समझ लिया जाए तो समस्या हल हो जाती, गुत्थी सुलझ जाती। ऐसा नहीं कि नाम न दिया जाए तो क्या इशारों में बात करें करके ऐसे ऐसे हम लोगों के नाम देते हैं, ये अनंश्री हैं, ये फला हैं, ये ढिका हैं, ये हैं वो, तो हम नाम से बुलाते हैं किसी भी बुद्ध का नाम। अब लाओत्से का भी नाम तो लाओत्से ही था ना, तो नाम आया, लेकिन वो कह रहे हैं कि शाश्वत ताओ, जो इटर्नल ट्रुथ है, उसको नाम नहीं दिया जा सकता। नाम दिया कि वो कंटेमिनेट हो गया, वो प्रदूषित हो गया, सीमाओं में बंध गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि सारे नाम उसके बीच में शामिल किए जा सकते हैं और किसी भी नाम पर कोई जिद नहीं करी जा सकती कि ये नाम जो है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है या ये नाम अंतिम नाम है, ये कोई जिद नहीं करी जा सकती। सारे नाम शामिल किए जा सकते हैं। नामों की अपनी खूबसूरती है, मनुष्य ही केवल नाम देता है, मनुष्य के अलावा अस्तित्व में कोई शायद ही नाम देता हो। अगर पशु पक्षियों की आप तरफ से देखें तो उनके लिए तो प्रकृति प्रकृति होगी, कोई नाम तो नहीं होगा ना, लेकिन मनुष्य के लिए नाम है। ये कोयल है, ये बुलबुल है, ये गुलाब है, ये कमल है, ये नदी है, ये समंदर है, ये बादल है, ये आसमान है, ये पहाड़ है, ये शिखर है, ये खाई है, अनंत अनंत नामों की श्रृंखला, अनंत अनंत नामों का प्रादुर्भाव। ये भी वो शाश्वतताओ मनुष्य को क्षमता देता है। इसी की बात आगे भी लाओत्से इसी सूत्र में कहने जा रहे हैं, लेकिन वो ये कह दे रहे हैं कि उसका कोई नाम नहीं है शाश्वतताओ का। आप उसे गॉड कहें, उसको परमात्मा कहें, उसको टोटलिटी कहें, उसको स्रोत कहें, उसको अद्वैत कहें, उसको कुछ भी कहें, वो केवल एक सिंबॉलिक इशारा है, प्रतीकात्मक इंगित है। नाम नहीं कोई हो सकता, कैसे देंगे नाम, इतना व्यापक, इतना विराट है। और हम क्या करते हैं इस संसार में, देखिए सारे झगड़ा झंझट नामों के, नामों के प्रति हम प्लेफुल नहीं हैं। नाम हम इतनी जड़ता से पकड़ लेते हैं कि सारा उपद्रव नाम से पैदा कर लेते हैं। धर्मों के नाम, देशों के नाम, संप्रदायों के नाम, अध्यात्म के ये जितने सारे तौर तरीके हैं इनके नाम, ध्यान विधियों के नाम, ध्यान विधियों पर कॉपीराइट और पेटेंट के झगड़े, क्योंकि नाम दे दिया ना कि ये ध्यान, इसका ये नाम, तो ये कॉपीराइट, ये पेटेंट। अब तुमने देखा होगा जो सारे मित्र सुबह सुबह आजकल लाइव मेडिटेशन में मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं तुमको ध्यान की विधियों में ले जाता हूँ। विधियाँ भी अविधि जैसी होती हैं, और एक आध विधि का नाम मैंने ले भी दिया, लेकिन वो भी प्लेफुल है। बाकी मैं कोई विधि का नाम नहीं लेता, मैं कहता ध्यान में प्रवेश करो। तुम्हारे लिए थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि तुम कभी अगर मुझसे पूछना चाहो कि अनंश्री वो वाला ध्यान तो कौन वाला ध्यान, अगर नाम दें तो तुम्हारे लिए उपयोगिता हो जाए, तुम मुझको याद दिला सकते हो, फिर तुम मुझको पूरा प्रोसेस बताओगे कि ये वाला जो आपने कराया था वो वाला ध्यान। कई लोग मेरे पास आकर इस मुश्किल में पड़ते हैं, क्योंकि नाम देना मुझे शुरू से पसंद नहीं रहा। मैंने सैकड़ों ध्यान विधियाँ शेयर करी अनंत में,
जो मित्रानंद आतेरे वो जानते हैं, और बस विधियाँ शेयर कर दी, उनका कोई नाम नहीं दिया। तो जब कोई नाम नहीं दिया विधि का, तो विधि पर कोई कॉपीराइट नहीं है, विधि पर कोई झगड़ा झंझट नहीं है, उसका सार बस तुमको मिलना चाहिए, उसका सार ग्रहण होना चाहिए। तो नाम जो है ना, नाम विभाजन पैदा करता है। नाम अगर अज्ञानता से, बेहोशी से कोई व्यक्ति उपयोग करे तो नाम से ही दूरियां पैदा होती हैं, और नाम से ही द्वंद पैदा होकर व्यक्ति को भ्रमित कर देता है। लाओत्से की जो अड़चन थी, वो अड़चन देखिए मेरी भी रही है, और जो मुझसे जुड़े हैं लोग उनकी भी अड़चन रही है। लाओत्से के ऊपर क्यों इतना दबाव था उसके शिष्यों का, उनके प्रेमियों का, कि भाई कुछ लिख दो, कुछ लिख दो जिससे कि लोगों को बता सकें कि ये लाओत्से कहते थे, मेरे पास लोग आते हैं। पिछले 20-22 साल से मैं लगातार बोल रहा हूँ, हजारों घंटे बोला होगा, लेकिन जो मित्र सुनते हैं और बाहर निकलते हैं अनंत के, तो अक्सर उनको यही उलझन रहती है कि सुन रहे थे तो सब बड़ा साफ साफ था, बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन कहा क्या उन्होंने, किसी को बताएं तो क्या बताएं, उन्होंने क्या कहा। तो तमाम लोग बड़ी मुश्किल में हैं। कई लोगों ने मुझको भी सुझाव दिया, कुछ ऐसा प्रिसाइज फार्मूला वाइज सूत्रबद्ध कुछ आप लिख दीजिए जिससे लोगों को बता सकें कि अनंत श्री ये कहते हैं। अब आजकल तो टेक्नोलॉजी है, यूट्यूब है, लोग सुन सकते हैं कि ये कहा गया, लेकिन जो यूट्यूब भी ज़्यादा देर तक सुनते रहते हैं उनको अच्छा लगता है, उनको नरिशमेंट मिलता है, उनको इनलाइटनमेंट का कोई जो फिक्शन वाला हिस्सा है उसमें मत जाना। तुम रोज़ रोज़ इनलाइटनमेंट में जाते हो, जैसे रोज़ सुबह सूरज उगता है और प्रकाश फैलता है, ऐसे ही रोज़ इनलाइटनमेंट की प्रक्रिया तुम्हारे भीतर घटती है, लेकिन तुम बता ना पाओगे। तुम्हारे लिए कहना मुश्किल होगा कि जो सुना था उसमें है क्या। तो फिर तुम्हारे लिए उपाय बचता है कि सुन लो, तुम भी सुन लो। लाओत्से के बारे में यही हुआ कि लंबे समय तक लोग कहते थे कि ताओ तेचिंग देख लो, लाओत्से ने क्या कहा, ताओ तेचिंग देख लो। अब वो देख लो तो देखने के साथ उसमें और उलझन कि समझें क्या, उसमें कह तो दिया उसने, लेकिन वो और उलझी हुई गुत्थी हो गई। आगे देखिए और रोचकता और गहराई धीरे धीरे आएगी, क्योंकि आगे आगे द्वैत फिर बढ़ता जाएगा। आगे लाओत्से कहते हैं कि द ताओ इज बोथ नेम्ड एंड नेमलेस। ताओ जो है वो अनाम भी है और नाम भी है, नाम रहित और नाम दोनों है। एज नेमलेस इट इज ओरिजिन ऑफ ऑल थिंग्स, यानी कि जब वो अनाम है तो स्रोत है सारी चीज़ों का। एज नेम्ड इट इज द मदर ऑफ 10,000 थिंग्स, और जैसे ही नाम दिया जाता है वो 10,000 चीज़ों की जननी हो जाता है। तो अब कितनी खूबसूरत बात है कि जब तुम कोई नाम नहीं देते तो शुद्ध अस्तित्व प्रवाहित हो रहा है। नाम रहित जो है वही शुद्ध अस्तित्व है, वही स्रोत है, वही अनमैनिफेस्टेड सोर्स। अनाम, कोई नाम नहीं, अभी कुछ कहा ही नहीं जा सकता। भारत में तंत्र में कहते हैं कि ये अनभिव्यक्त मूल बिंदु, मूल सत्ता, फिर वो टूटेगी द्वैत में शिव और शक्ति, फिर होगा सृष्टि का फैलाव। अब शिव और शक्ति नाम आए तो जैसा कि लाओत्से लिखते हैं कि जैसे ही नाम आता है, नाम के साथ वो 10,000 चीज़ों की जननी। 10,000 का मतलब नुमेरस, मेनी, अनंत, ये तो कहने का ढंग है 10,000, अनंत, अनंत चीज़ों की जननी हो जाता है ताओ। यहाँ पर भी देखिए बड़ी खूबसूरत बात लाओत्से ने लिखी, उन्होंने ये नहीं कहा कि वो फादर हो जाता है, वो मदर,
भारत में भी हमने इसको शिव और शक्ति की तरह प्रदर्शित किया कि जब अद्वैत से द्वैत में अभिव्यक्ति आएगी तो शिव और शक्ति का द्वैत आएगा और फिर शक्ति मदर गॉडेस उनका होगा फैलाव, वो विस्तार होगा जीवन का। भारत में मैंने कई बार तुम लोगों से शेयर की ये बात कि हमने कुछ अद्भुत मंदिरों की रचना करी। ये भारतीय दर्शन का अनूठापन है। तुम उसको कर्मकांडों में लो कोई अड़चन नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए लो कोई अड़चन नहीं, तुम उसको कैसे लेते हो उससे कोई अड़चन नहीं, लेकिन उसमें अगर कोई शाश्वत सत्य कह दिया गया है तो वो भी कहा गया है, जानने वाले उसको जान सकते हैं, देखने वाले देख सकते हैं। तो ये जो 64 योगिनी के मंदिर हैं, ये इस मामले में जो ये लाओत्से इस समय कह रहे हैं बिल्कुल ठीक उसकी मटेरियल अभिव्यक्ति, यानी कि शब्दों में ना कहकर लाओत्से ने ताओ ते चिंग में शब्दों में कहा, और भारत के जो मनीषी थे, बुद्ध थे, ऋषि थे, तांत्रिक थे, उन्होंने उसको पत्थरों में कहा, यानी कि उसको गढ़ा कि एक स्रोत जो अनाम है वहाँ से टूटेगा द्वैत शिव और शक्ति के रूप में, नाम पैदा होगा और फिर उसी से सारी सृष्टि आगे बढ़ेगी। तो उस मंदिर को वो गोलाकार बनाते हैं, गोल होता है स्फेरिकल, और उसकी छत नहीं होती, वो खुला हुआ होता है, परिधि पर 64 अलग अलग रूप देवियों के, बीच में शिव और शक्ति की प्रतिमा, और गोल गोल है संसार का चक्र, ये चक्र है ये संसार का जो घूम रहा है, जन्म मृत्यु सृष्टि का चक्र। अब ये द्वैत से जैसे इन्होंने कह दिया लाओत्से ने मदर ऑफ 10,000 थिंग्स, तो भारत में कह दिया 64। अब 64 की अलग मिस्ट्री है, 64 का अलग रहस्य है, उस पर इस समय नहीं जाएंगे, लेकिन ये सब कहने का ढंग है। उसको भी हम कह सकते हैं अनंत। तो वो कहते हैं कि 64 रूपों में फिर वही देवी वही आदि शक्ति टूटेगी और फिर वही रूप मिलेंगे, वही शक्तियाँ टकराएंगी और ये जो संसार का चक्र है, ये जो काल चक्र है, ये घूमेगा और सृष्टि का निर्माण शुरू होगा। सब चीज़ें प्रकट होंगी, भाव प्रकट होंगे, रूप प्रकट होंगे, जीवन का सारा जो ये व्हील है वो घूमता चला जाएगा। तो भारत में उसको मंदिर के फॉर्म में, पत्थरों में, प्रतिमाओं में गढ़ दिया, लाओत्से ने उसको शब्दों में कहा। भारत में हमने उसको इसीलिए हमेशा माँ मदर कहा, लाओत्से ने भी मदर कहा। लाओत्से चीन में है, भारत से बहुत दूर नहीं है, मैं समझता हूँ कि दर्शन का जो सामंजस्य है उसमें कोई बहुत दूरी नहीं होगी, वो अनुगूंज कहीं पहुँचती होगी। जिन धर्मों ने इतना रहस्य नहीं समझा, जिन्होंने ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन बनाने की कोशिश की, वहाँ ही पिता आया, फादर आया। अब यहाँ माँ की चर्चा है क्योंकि वो शक्ति है, क्रिएटिव फोर्स है। अब माँ का मतलब फिजिकल मदर से लें कोई अड़चन नहीं, वो भी कह के आप खुश रह सकते हैं भाई, जैसे भारत में हम शक्ति पूजा देवी पूजा सब करते हैं तो वो एक मटेरियलाइजेशन करते हैं, खुश रहते हैं तो नो प्रॉब्लम, चलता है, खुश रहिए। लेकिन जन्म जब भी होगा तो वो उस पोटेंशियल फोर्स से होगा, उस जो अंतर्निहित शक्ति है उससे ही सब जन्मेगा और आगे फैलेगा, इसीलिए उसको मातृ शक्ति कहा। लाओत्से ने भी कहा, भारत ने भी कहा। 10,000 थिंग्स नाम के साथ। तो अब कितना सुंदर है कि अगर हम 64 योगिनी का जैसे जिक्र कर रहे थे तो उसमें भी 64 देवियों के कितने नाम आ गए। वो नाम सुने पढ़ें तो तुम हैरान रह जाओगे, इतने भावों वाले नाम। और फिर जब भारत में वो आदि शक्ति की आराधना में एक और बड़ी खूबसूरत सी पुस्तक लाते हैं, दुर्गा सप्तशती, उसको अगर आप उसके वर्सेज उसके सारे सूत्र पढ़ें तो लाओत्से के इस वचन को और अच्छे से समझ पाएंगे। वहाँ किस किस बात को तो शक्ति नहीं कह दिया, तुम्हारे संशय को, तुम्हारे भ्रम को, अंधकार को, मृत्यु को, सब
उसी शक्ति का फैलाव है, उसी मात्र शक्ति का, वही आदि शक्ति, उसी का फैलाव है, सब उसी से निकलेगा। और जब वो अनाम हो जाएगी, शिव और शक्ति एक में लीन होंगे, अव्यक्त हो जाएंगे, तो वो स्रोत में चले जाएंगे, वो स्रोत हो जाएगा अनमैनिफेस्टेड, अव्यक्त। और जब भी प्रकट होना होगा द्वैत में टूटेगा। अब द्वैत में जब टूटना होता है तो द्वैत तो ऐसे ही टूटता है, स्त्री और पुरुष का द्वैत ये फंडामेंटल है। स्त्री पुरुष शरीर का नहीं, स्त्री पुरुष ऊर्जा, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी, पुरुष ऊर्जा स्त्रैण ऊर्जा, उसी की बात लौट से करते हैं। तो उसका विस्तार ही सारे जीवन को रचेगा। उसी द्वैत में फिर टूटता चला जाएगा, सुख दुख पेन प्लेजर अंधेरा उजाला सब टूटता चला जाएगा। और उस सब के टकराव से, उस सब के मिलन से अनंत अनंत चीज़ें थिंग्स या चीज़ें, जो लाओत्से ने उपयोग कर दिया शब्द, चीज़ों का अर्थ आप केवल मैनिफेस्टेशन समझें, ये जो विस्तार है प्रकृति का उसको देखें। और ये बदलता जाता है। आज भी हम देखें, आज भी हम जैसे किसी भी बात को गौर से देखते हैं, जैसे ही हम किसी चीज़ को नाम देते हैं, हम कुछ नया रच देते हैं, हम उसमें कुछ नया जोड़ देते हैं, नया पैदा कर देते हैं। जैसे ही हम किसी भी पोटेंशियल फोर्स को, किसी भी संभावित शक्ति को, जो संभावित संभावना है, पॉसिबिलिटी है, उसको जैसे ही हम अपने ज्ञान से नाम के दायरे में लाते हैं, कुछ नया रचा जाता। इसलिए यहाँ रोज़ रोज़ कुछ न कुछ नया रचा जाता रहेगा। और इसका जो अंतिम वर्स है पहले चैप्टर का, वो और भी खूबसूरत। एवर डिजायरलेस वन कैन सी द मिस्ट्री। जो सतत इच्छा मुक्त है वो इस रहस्य को देख लेता है। और एवर डिजायरिंग, जो सतत इच्छा पूर्ण है, वो केवल मैनिफेस्टेशंस को देखता है, वो केवल अभिव्यक्तियों को, रूपों को देखता है। पहले ये बात, फिर अंतिम जो इसका सूत्र है उसको समझेंगे। हम दो ढंग जीवन के देख सकते हैं। लाओत्से के इस पहले सूत्र के अंतिम पड़ाव पर जीने की दो शैली, टू वेज ऑफ लाइफ, दो जीवन शैलियां आती हैं। एक शैली स्रोत से संयुक्त होकर जीने की शैली, जो स्रोत है, जो रहस्य है, जो अद्वैत रहस्य है, उसके साथ सतत संयुक्त रहते हुए, यानी कि लगातार उसके बोध में बने रहते हुए जीवन जीने की शैली, जो कि जागृत लोगों की है, मुक्त लोगों की है, जो अब किसी वासना और इच्छा के वशीभूत नहीं भाग रहे हैं। उन्होंने देख लिया वासनाओं को, इच्छाओं को, और देखा क्या, ये नहीं देखा कि उनको हम किसी दिन मिटा कर आगे जाएंगे। उन्होंने देखा इच्छाएं वासनाएं घटती हैं उसी स्रोत से, उसी स्रोत में विलीन हो जाती हैं। शरीर मन माध्यम है, मैं अकर्ता स्वभाव में स्थित हूँ, मेरा शुद्ध जो होना है वो अनाम है, उसे कहा नहीं जा सकता। यानी कि ताओ के जो पहले पड़ाव थे उसको देख लिया है किसी व्यक्ति ने, और वो एवर डिजायरलेस है, सतत इच्छा मुक्त है, क्योंकि अब इच्छाओं का कोई जो प्रभाव है, इच्छाओं की पकड़ है, वो उसके ऊपर नहीं। इच्छाएं घटती हैं, पकड़ नहीं का अर्थ ये नहीं कि इच्छाएं नहीं घटती। किसी बुद्ध के अंदर भी इच्छा घटती है कि चलो चाय पीते हैं। अब कहीं कोई बुद्ध तुमसे कभी कह दे कि चलो चाय पीते, अच्छी वाली चाय पीते हैं, और तुम गला पकड़ लो उसका, लो चाय की इच्छा। अभी तो लाओत्से कह गए एवर डिजायरलेस, तो आप तो रहस्य नहीं जानते होंगे, लेकिन ये प्रोग्रामिंग है, उठ सकती है इच्छा सहज रूप से, लेकिन ये शरीर मन में उठी हुई बस एक तरंग है, छोटी सी इच्छा है। बुद्ध उठेगा, चाय बनाएगा, मिल जाएगी, पी लेगा, उसके पीछे नहीं भागेगा, उसमें व्यक्तिगत जोड़ नहीं पैदा करेगा।
और दूसरी बात जो कहते हैं वो दूसरी जीवन शैली है, एवर डिजायरिंग, सतत इच्छा पूर्ण, यानी कि जो सतत इच्छा पूर्ण है उसको लाओत्से कहते हैं कि वो केवल मैनिफेस्टेशंस को देखता है, यानी वो स्रोत से दूर चला गया है, वो परिधि से अटैच हो गया है, पेरिफेरी से अटैच हो गया है, केंद्र से दूर आ गया है। और फिर आप उसी 64 योगिनी वाले मंदिर की जो परिकल्पना है उसको देखें, उसको आप गूगल पे उसके पिक्चर्स वगैरह देख सकते हैं, जो लोग गए हैं वो जान रहे होंगे। फिर आप देखें केंद्र और परिधि, केंद्र पर आप हैं तो निकटतम है स्रोत के, द्वैत के निकटतम है, यानी कोई भी बुद्ध है, कोई भी जागृत व्यक्ति है तो वो निकटतम है स्रोत के, स्रोत में पूरी तरह लीन नहीं हो जाता जब तक ये शरीर और मन है। संसार में कोई भी व्यक्ति पूरी तरह स्रोत में लीन नहीं होता, क्योंकि स्रोत में पूरी तरह लीन का मतलब पूरी तरह लीन, विलीन, कुछ बचेगा नहीं, न शरीर न मन। लेकिन जो केंद्र में है, जहाँ पर अभी शिव और शक्ति का प्रस्फुटन हुआ है, उस स्रोत के निकटतम है। और जो पेरिफेरी पे जाएगा, केंद्र पे, वहाँ 10,000 थिंग्स हैं, 64 प्रकार हैं, भय के, वासना के, शक्ति के, प्रकृति के, लोभ के, मोह के, तमाम तरह के अवगुंठन, बंधन, तमाम तरह के जो आवरण हैं, सब परिधि पर हैं। तो जो एवर डिजायरिंग है, सतत इच्छा पूर्ण है, वो उसी जीवन की परिधि पर, उसी चक्र पर घूमता है। तो उसको मैनिफेस्टेशंस दिखाई देते हैं। मैनिफेस्टेशंस यानी कि जो अभिव्यक्ति हो गया, वो अभिव्यक्ति में उलझता है। कैसे उलझता है? उदाहरण के लिए, उसने ये क्यों किया, उसने वो क्यों कहा, उसने ऐसा कपड़ा क्यों पहना, उसने वैसा कपड़ा क्यों पहना, उलझ गए मैनिफेस्टेशन में। अच्छा, गुरुजी ने लंबे बाल क्यों रखे, उन्होंने ऐसी शर्ट क्यों पहनी, ऐसा कपड़ा क्यों पहना, फला ऐसा क्यों करते हैं, फला वैसा क्यों करते हैं, सब मैनिफेस्टेशन है। क्योंकि वो एवर डिजायरिंग वे ऑफ लाइफ में, सतत इच्छापूर्ण जीवन शैली में, उसके पास अभी लगातार एक चुनाव है कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, वो करना है। और वो स्रोत से बहुत दूर आ गया है, केंद्र से निकल कर वो परिधि पर आ गया है, पेरिफेरी पर आ गया है। उसको होश ही नहीं आता स्रोत का, उसको पता ही नहीं चलता कि कुछ अव्यक्त अनभिव्यक्त है जो संचालित कर रहा है पूरे इस जीवन के घटनाक्रम को। उसका कर्तापन प्रगाढ़ हो गया है, तो वो हमेशा कर्तापन के दोष में जाएगा, वो दूसरों में भी वही कर्तापन ढूंढेगा। दोष का अर्थ ये नहीं होता कि तुम किसी को कमतर करो, किसी को तुम बेहतर करो। दोष यही होता है जैसे ही तुम किसी को कर्तापन के पैमाने में, सीमा में ढालते हो, डूअर के फ्रेम में जड़ते हो, तुम उसे दोष में ढाल देते हो, उसे दूषित कर देते हो, वो दोषपूर्ण हो जाता है। जैसे ही तुम किसी को अकर्ता के विस्तार में देखते हो, इन द एक्सपेंशन ऑफ नॉन डूअर, तुम उसे दोष मुक्त कर देते हो, स्वयं को भी, दूसरे को भी। तो जो अभी एवर डिजायरिंग वे ऑफ लाइफ में है, वो हमेशा दोषपूर्ण जीवन शैली में जीता है, स्वयं में भी दोष और दूसरों में भी दोष। नैतिक चिंतन नहीं कि वो ये करे ना वो करे, ऐसा करे तो वैसा करे ठीक हो जाएगा। मुख्य चीज़ है कि वो स्रोत से दूर आ गया है, अकर्ता से कर्ता में प्रवेश कर गया है, और कर्ता का आरोपण, कर्ता का जो ये सारा मेकअप है जैसे डाला उसने, दोष पैदा हो गए, मैनिफेस्टेशंस में उलझ गया, वो अभिव्यक्तियों में उलझ गया। और जो एवर डिजायरलेस है, वो स्रोत के निकटतम है, वो जानता है, वो जानता है कि कोई कुछ करता नहीं, वो जानता है घटा है उस इटर्नल ताओ से, उस अव्यक्त ताओ से ही सब घटा है, उसी में सब लीन होगा। और चूंकि उसे कहा नहीं जा सकता, उसे नाम नहीं दिया जा सकता, तो जितना भी कहा जाएगा, जितने भी नाम दिए जाएंगे, सब उसी के होंगे, उसी स्रोत से आएंगे। तो कोई उलझाव नहीं, कोई उलझन नहीं, कोई किसी भी तरह का जो एक उलझन में पड़ जाने का ढंग है वो नहीं है, कोई झगड़ा भी नहीं है। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अब अगर तुमसे आकर कोई कहे कि देखो सत्य ऐसा होता है या ऐसा होता है, तो जो स्रोत के निकटतम है वो मुस्कुरा कर कहेगा
हो सकता है, हो सकता है। और तुम्हारी तरफ देखेगा तुम्हारी आँखों में कि तुम्हारी आँखों में वो परितृप्ति है, तुम्हारी आँखों में वो शांति है, तुम्हारे रोम रोम में उस अकर्ता की सुगंध है। अगर है तो तुम कुछ भी कह रहे हो, ठीक चलता है। इसी प्रयोग को करने के लिए भारत में एक और ढंग आया। देखिए कमाल का है ना, भारत की जमीन कमाल की, इतने एक्सपेरिमेंट तो कहीं हुए नहीं। हमने एक अघोर मार्ग लिया इसी बात को बताने के लिए कि जब स्रोत में आप निमज्जित हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी बात से। अघोर शब्द का अर्थ बड़ा प्यारा है कि जो घोर नहीं है, जो सरल है, जो बहुत ही सरल है वो अघोर है। लेकिन अघोर से लोगों को तात्पर्य हुआ कि जैसे कुछ बहुत ही भयानक, अघोरी बहुत भयानक। लेकिन अघोरी करता क्या है? शमशान में जा रहा है, मुर्दों के बीच है, कुछ भी खा लेता है, तुमको गालियां दे देता है। लेकिन अगर वो स्रोत के निकटतम जी रहा है एवर डिजायरलेस स्टेट में, तो उसकी गाली सुनकर भी तुम्हारे अंदर शांति उतर आएगी। वो तुमको गाली देगा, तुम्हारे अंदर शांति की धारा बहने लगेगी। कमाल हो गया। भारत ने ऐसे तमाम अघोरियों को देखा, तैलंग स्वामी, कीनाराम, और भी कितने कितने यहाँ पर संतों को भारत ने देखा। कुछ भी औघड़ हैं, तुमको कुछ भी बोल सकते हैं, भगा देंगे, डंडा मार देंगे, लेकिन तुम अपने अंदर एक अमिट सी शांति को अनुभव करने लग जाओगे, क्योंकि वो स्रोत से उठी थी उनकी अभिव्यक्ति, वो एवर डिजायरलेस। और एवर डिजायरिंग बाबा जी बैठकर घंटे भर तुमको अच्छे से अच्छा प्रवचन दे दें, तुम खिन्न हो जाओगे। सुनोगे तुम, हर बात अच्छी कही, किसी बात में कोई गड़बड़ नहीं, हर बात में कोई काट नहीं, सब लॉजिकली फिट है, बढ़िया है, मॉरली ठीक है, शब्द अच्छे हैं, बाबा जी ने गाया भी कितना अच्छा, म्यूजिक भी कितना बढ़िया था, सब कमाल का था। लेकिन अंत क्या हुआ? खिन्न हो गए, खिन्नता उतरी, लौटते समय मन खिन्न था। जैसे तुम कोई नशा करते हो, ड्रग लेते हो, वो दूषित क्यों है? क्योंकि उसमें फिर तुम्हें लो जाना पड़ता है, उसका हैंगओवर उतरता है, तब तुम खाई में गिरते हो, तुम खड्ड में गिरते हो, तुम धड़ाम से नीचे आ गिरते हो। क्योंकि नशा क्यों प्रतिबंधित किया गया भारत में, भारतीय अध्यात्म में? क्योंकि वो तुमको स्रोत से दूर ले जाता है। तुम परिधि में, तुम मैनिफेस्टेशंस में आनंद तलाशने की कोशिश करते हो, और योग कहता है तुम्हारे भीतर ही अमृत की धारा बहती है। वो आनंद जो अहर्निश आता है और कभी मिटता नहीं, उसकी तलाश में जाना, वो शाश्वत ताव है। तो अच्छी बातें, अच्छी क्रियाएं, वो सब मायने नहीं रखते। मैनिफेस्टेशंस का जगत अगर एवर डिजायरिंग जीवन शैली में, तो आज के वक्त में, इसीलिए मैंने जब इस सीरीज को चुना तो मैंने कहा कि ये जो आज का वक्त है समझना बहुत ज़रूरी है। हमको इन दो जीवन शैलियों में से एक जीवन शैली चुननी है, एवर डिजायरलेस या एवर डिजायरिंग, सतत इच्छा मुक्त या सतत इच्छा पूर्ण, स्रोत के निकटतम या स्रोत से दूरतम, कौन सी जीवन शैली चुननी है हमको? वो उपाय करें, वो आवश्यक एसेंशियल चीज़ें करें जो तुमको स्रोत के निकट ले जाएं, एवर डिजायरलेस हो जाएगी, इच्छाएं उठें घटें, पूरी हो न पूरी हो, तुम अपने अकर्ता स्वभाव में चलते चले जाओ, कर्तापन से तुम धीरे धीरे मुक्त होते जाओ, और फिर जीवन ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर हो। ये दो जीवन शैलियाँ, और फिर अंतिम बात बहुत महत्वपूर्ण, वो कहते हैं एंड द मिस्ट्री इट्सेल्फ इज द डोर वे टू ऑल अंडरस्टैंडिंग। ये जो रहस्य है नाम और अनाम का, ये जो रहस्य है मैनिफेस्टेड और अनमैनिफेस्टेड का, ये जो रहस्य है केंद्र और परिधि का, ये जो रहस्य है कर्ता और अकर्ता का,
ये जो रहस्य है द्वैत और अद्वैत का, यही द्वार है बोध का, सारी समझ का। उलझना किसी बात में नहीं। ऐसा नहीं कि अद्वैत की बात उठे तो फिर सब छोड़ बैठना है, और ऐसा भी ना हो कि जब द्वैत में आए तो सब भूल बैठना है। दोनों है, दोनों का जो संगम है वही जीवन है, चैतन्य का और पदार्थ का, चेतना का इस शरीर का, उनका संगम ही ये जीवन है। अभिव्यक्ति और अनभिव्यक्ति का, नाम का और अनाम का, दोनों, दोनों को जो देखता है वो उस रहस्य को देखने लगता है। रहस्य क्या है? जब तुम इस विस्तृत ताओ को देखोगे, विस्तृत ताओ का अभिप्राय इटर्नल कॉस्मिक लॉ भी हम कह सकते हैं, शाश्वत धर्म भी कह सकते हैं, लेकिन चूंकि पहले ही लाओ त्सु ने कह दिया कि कोई नाम तो दिया ही नहीं जा सकता, तो कोई नाम भी हम दे लें, जितना समझने के लिए ज़रूरी हो वो नाम दे लें, तो हम देखें कि सब कितना रहस्य, एक एक क्रिया, एक एक कर्म रहस्य में है। तुम सुबह उठते हो, आँख खुलती है, वो द्वार खुल जाता है रहस्य का, वहीं से परम समझ प्रवेश कर सकती है। तुम किसी से मिलते हो, द्वार खुल जाता है रहस्य का, भोजन, भूख, मिलना, बिछड़ना, हर जगह रहस्य का द्वार खुलता है, हर जगह खुलता है रहस्य का द्वार। उस द्वार से तुम जब प्रवेश करते हो तो बोध के, अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग के जगत में चले जाते। इसी कारण से भारत में एक और परंपरा आई। भारत में उन्होंने शब्दों में भी कहा चीज़ों को, पत्थरों में भी गढ़ा, समय में जड़ा, नदियों, पर्वतों, पहाड़ों में उनको गढ़ा। कमाल के लोग थे। ताओ को अगर सनातन धर्म कहा जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन अगर सनातन धर्म कह दिया जाए तो लोग लगे कोई हिंदू वाली बात है। सनातन धर्म कह सकते हैं, द इटर्नल ताओ, लेकिन तब उसमें पूरा जगत शामिल हो जाता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। सनातन का मतलब ही इटर्नल है। तो भारत में इस द्वैत और अद्वैत को बताने के लिए एक चीज़ और प्रस्तुत करी गई, जनमानस में रची बसी है आज भी। जब दो वक्त मिलते हैं तब पूजा का, प्रार्थना का विधान, सुबह हो रही है ध्यान, पूजा, प्रार्थना का विधान, रात जा रही है, दिन आ रहा है, अंधेरा विलीन हो रहा है, प्रकाश प्रकट हो रहा है, दो घटनाएं, दो वक्त मिल रहे हैं, ध्यान, पूजा, प्रार्थना, यानी कि वो द्वार खुलेगा। तो कई मिस्टिक ट्रेडिशन में इसको अदर वर्ल्ड की ओपनिंग भी कहते हैं। अदर वर्ल्ड से कई लोग फिर पड़े और जाल में उलझते चले जाते, अदर वर्ल्ड आया नहीं, नॉन फिजिकल रियलम आई नहीं, तो उनको लगता है पता नहीं कोई अलग दुनिया, सूक्ष्म शरीरों की, भूत प्रेतों की, देवी देवताओं की, नहीं, उसको कहने में भी कोई अड़चन नहीं है, वो तो खेल है। तुम्हारे दूध में क्या मिलाया जाए, ये सब वही मटेरियल है। ये जो लोगों ने कही, ये वो माएँ थीं जिन्होंने तुम्हें पिलाने के लिए उसमें कुछ भी मिला दिया। मूल बात है, जहाँ दो का संगम, वो दोपहर भी हो सकती है, वो शाम होती, शाम में बड़ा विजिबल है, दिन जा रहा है, शाम आ रही है, ऐसे कई समय के जो संगम हैं उनको हमने पूजा, प्रार्थना, ध्यान के लिए चुना और माना कि वो ओपनिंग्स हैं, वो द्वार हैं बोध की तरफ खुलने वाले, अदृश्य जगत की तरफ नहीं। अदृश्य जगत में खुलने की बात कई लोगों को अच्छी लगती है, क्योंकि फिर उससे नया अंधविश्वासों का और जड़ताओं का जाल शुरू हो जाता है, लेकिन ये केवल इशारा है। दो जहाँ पर मिलते हैं, स्त्री पुरुष जहाँ पर मिलते हैं,
मित्र जहाँ पर मिलता है, तुम भोजन भी करते हो तो भोजन के पहले भी प्रार्थना और ध्यान का विधान है, थोड़ी देर ठहरो, क्योंकि भोजन में क्या होने जा रहा है, दो चीज़ें मिलेंगी, भूख और तृप्ति। पानी पीने जा रहे हो, थोड़ी देर ठहरो, क्योंकि दो का मिलन होगा, प्यास और परितृप्ति का। हमेशा द्वैत में दो का मिलन होगा और वह अद्वैत में तुमको फेंक देंगे, एक द्वार खुल जाएगा और वही रहस्य है। वहीं पर जब कोई जाता है तो परम बोध, अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग खुलती है। कर्ता और अकर्ता, तुमने किया, तुम्हारे माध्यम से हुआ और तुरंत ही तुमको दिखा कि किया इसी शरीर मन ने, लेकिन ऐसे किया जैसे किया ही नहीं, द्वार खुल गया। तो जहां जहां द्वार खुलते हैं उनको खोजेंगे, उनमें प्रवेश करेंगे। ध्यान जिसको कहा जाता है वो न किसी विधि में है, न किसी तरह की उठापटक में है, न किसी सर्कस में है, न किसी फिलॉसफी में है। ध्यान का मतलब ही है कि द्वैत के उस संगम को पैदा कर देना जो तुमको अद्वैत में धक्का दे देगा, जो तुम्हारे लिए बोध का द्वार बन जाएगा, तुम्हारे लिए अवेकनिंग का डोर बन जाएगा। वो अल्टीमेट, वो रहस्य है। उस रहस्य को अनुभव किया जा सकता है। अब जैसे छोटा सा उदाहरण तुम देखो, हम हर चीज़ को बस ले लेते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड। ठीक 6 बजे मैं आया, तुमने ऑन किया, कनेक्ट हुए, थोड़ी देर डूब जाओ रहस्य में। क्या रहस्य है, डिजिटली ही सही हम देख पा रहे हैं एक जिंदा इंसान को। ये जिंदा इंसान कितना बड़ा रहस्य है, और तुम देख पा रहे हो, तुम सुन पा रहे हो, ये कितना बड़ा रहस्य है। तुमने उसको ऐसे नहीं लिया कि हाँ ये तो रोज 6 बजे खुली जाता है, हम देख ही लेते हैं, हम सुन ही लेते हैं, तो तुम चूक गए ताओ से, इटर्नल ताओ से, उसकी मिस्ट्री से, परम बोध से तुम चूक गए। तुम्हारा कोई प्रियजन मिला, तुम तो मान ही लेते हो कि हम मिलते ही रहते हैं। मिलना कितना बड़ा रहस्य है। भले मिलने की कोई वजह हो, भले मिलने का कोई कारण हो, लेकिन मिलना कितना बड़ा रहस्य है। कोई नहीं जानता कोई कैसे मिलता है, क्यों मिलता है, कब मिलता है, ये मिलना होगा भी कि नहीं होगा, ये रहस्य है। कोई बिछड़ता है वो भी ध्यान पूजा प्रार्थना का अवसर है। कोई नहीं जानता क्यों बिछड़ता है, कोई क्यों अलग होता है, क्यों जन्मता है, क्यों कोई मरता है, रहस्य है। फूल क्यों खिलता है, क्यों बिखरता है, विज्ञान तो है उसका, नियम तो है उसका, लेकिन वो रहस्य है। जब भी कोई घटना घटे द्वैत के जगत में, थोड़ी देर ठहर जाएं, थोड़ी देर अपने अंदर मुड़ जाएं और बस उसको ध्यान बनाएं, और एक द्वार खुलेगा रहस्य का। उस रहस्य के द्वार से बोध में, अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग में प्रवेश संभव है। ये तो मौका हमेशा मिलेगा, इसके लिए कोई अलग मौका लाना नहीं, हमेशा मिलेगा। तो आज के लिए ये पहले चैप्टर पर इतनी ही बात। आप लोग अपने प्रश्न भेजेंगे, अगली बार भी लिखेंगे, सैटरडे संडे को जब हम लेंगे सेशंस, आज जो बोला इस संदर्भ में पूछेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और जो भी आपके व्यक्तिगत प्रश्न होंगे वो आप लिखेंगे, उनका भी स्वागत होगा और उनकी चर्चा हम अगली बार लेंगे। बिल्कुल ठीक है। देखिए वत्सला ने लिखा है कि आज का दूध था मज़ेदार था, एक ही सांस में घटक गए। तो ये बस यही है, ये तो रेसिपी हम रोज़ बनाते रहेंगे। सारे गुरुओं का यही काम है, वो बस माँ जैसे कि खिला देना है, पिला देना है, कैसे पिएगा बच्चा ये देखा जाएगा। तो सारे लोग आनंदित हुए मैं समझता हूँ, और उस इटर्नल ताओ, उस शाश्वत ताओ की तरफ सब लोग बढ़ पाएंगे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ताओ के और सुंदर वचन आएंगे, उन पर हम बात करेंगे,
वो खुलेंगे हमारे लिए, उनके चर्चा आएगी। बड़ा प्रीतिकर ये सफ़र रहेगा, बड़ा ही सुंदर रहेगा। मैं पूरी तरह से आशान्वित हूँ। और आज के लिए जो अंतिम नोट की तरह जो बात है वो ध्यान में रखें, सारी चीज़ें भूल जाएंगे तो चलेगा। दो जीवन शैलियों की जो बात की है उन पर मनन करेंगे और जो एवर डिज़ायरलेस वे ऑफ लाइफ है उसमें जीने की तरफ बढ़ जाएंगे सारे साधक। जो भी सहयात्री चल रहे हैं वो एवर डिज़ायरिंग से एवर डिज़ायरलेस, एवर डिज़ायरलेस यानी कि सतत इच्छापूर्ण से सतत इच्छा मुक्त, स्रोत से दूर, परिधि पर अटकाव से, परिधि से हटकर केंद्र में, केंद्र के निकट। तो ये एक होमवर्क है, इस होमवर्क को आप लोग जारी रखेंगे। Thank you.